हेलो दोस्तों, राणा क्लासेज में आपका स्वागत है। तो बड़ी अपडेट आ रही है, बीपीएससी का रिजल्ट जो है 67वीं बीपीएससी का रिजल्ट वेबसाइट पर है, जो कि जारी कर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर है और ये आप देख सकते हैं कि कितना है, जो कि रोल नंबर वाइज है, जो कि गया हुआ है। और 32,656 उम्मीदवारों के ओएमआर है, जो कि उत्तर पत्रों के स्कैनिंग के बाद है, जो कि ये रिजल्ट है जो कि जारी किया गया। तो फाइनली है जो कि 11,607 अभ्यर्थियों का है जो कि रिजल्ट है, जो कि जारी कर दिया गया है। और ये आप देख सकते हैं, ये जारी कर दिया गया है। कट ऑफ है जो कि कितना गया है, ये आप देख सकते हैं। कट ऑफ जो है ये आप बीपीएससी के वेबसाइट पर भी आप जाकर देख सकते हैं। हो सकता है कि कट ऑफ वाला पेज अभी तक खुला नहीं, हो सकता है, देखते हैं। क्योंकि कट ऑफ को लेकर ही सबसे ज्यादा कि क्या सच में इतनी कट ऑफ गई है, क्योंकि मैंने भी बताया था कि ये अभी आप देखेंगे तो वेबसाइट पर है जो कि ये नहीं खुल रही है। और कट ऑफ का इसमें नहीं दिया, ऊपर में सिर्फ दिया और रोल नंबर वाइज दिया हुआ है कि कितनी है जो कि गई है। तो ये आप देख सकते हैं रिजल्ट है जो कि फाइनली है, जो कि ये खुल नहीं रही है और अभी खुल रही है। फिर मैं यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी खुल ही रही है और वेबसाइट पर है जो कि आ गया है। और 8 पेज का अगर आप रिजल्ट देखेंगे तो उसमें अभी तक है जो कि कट ऑफ से जो कि नहीं दिया गया है, तो और रोल नंबर है जो कि आप मिला सकते हैं। और ये रोल नंबर है जो कि आप लोग भी है जो कि देख सकते हैं। ये रिजल्ट है जो कि फाइनली है, जो कि जारी कर दिया गया है और रोल नंबर वाइज है जो कि ये आप देख सकते हैं। और इसमें ऐसा नहीं कि जो पहला रोल नंबर है वो मेरिट वाइज है, और ये 8 पन्नों का ही रिजल्ट है जो कि जारी किया गया, कट ऑफ से जो कि नहीं दिखाया गया। सबसे आश्चर्य की बात है कि कट ऑफ से जो कि अभी तक नहीं दिखाया गया, सिर्फ जो कि, और ये वेबसाइट भी आप देख रहे हैं अभी तक नहीं खुल रहा है। जहाँ फास्ट है वहीं पर है जो कि ये आपको आ गया है। वो बुकलेट कुंजी भी आ गया है, पुनर्परीक्षा का बुकलेट, अंतिम उत्तर कुंजी का भी दिया हुआ है, इसको भी आप देख सकते हैं। तो आपको आंसर की भी है जो कि ये जारी कर दिया गया है, 67वीं बीपीएससी का ये पुनर्परीक्षा का अंतिम उत्तर कुंजी भी है जो कि जारी कर दिया गया है। तो अभी तक है जो कि क्लियरेशन नहीं हो रहा कि क्या ये रिजल्ट जो जारी हुआ है उसका कट ऑफ क्या है, 108 ही गया, और कितने लोग हैं जो कि क्वालिफाई किए हैं। अभी तक जनरल में कितने लोग क्वालिफाई किए हैं ये देख सकते हैं। तो मैं आपको वो भी दिखाना चाहता हूँ कि आखिर टोटल जो कितने कैंडिडेट हैं जो कि क्वालिफाई किए हैं। तो मैं आपको इसमें भी दिखाना चाहता हूँ कि टोटल है जो कि, क्योंकि रिजल्ट जो है 8 पन्नों का अभी तक जो बाहर आ रहा है उसमें टोटल आप देख सकते हैं 5,339 जो कैंडिडेट है वो अनारक्षित कोटि में रिजल्ट आ रहा है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का 1,069, SC का है जो कि 1,411, अनुसूचित जनजाति के 107, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के 1,710, पिछड़ा वर्ग के है जो कि 1,983, और पिछड़े वर्ग की महिला का 288, और क्षैतिज आरक्षण पर दिया हुआ कि कितने OHDS में वो भी दिया हुआ है। तो 11,607 लोग है जो कि अभी तक है जो कि सेलेक्ट हुए हैं। और ये PDF जो है अभी भी है जो कि कट ऑफ है, जो कि क्लियर ऐसे नहीं कर रहा है कि आखिर कितना कट ऑफ गया है, कितने लोग हैं जो कि क्वालिफाई किए हैं। अभी तक आंसर की है जो कि ये आप देख सकते हैं कितने कितने लोग हैं जो कि क्वालिफाई किए हैं। और आंसर की भी है जो कि आप देख सकते हैं 30/9/2022 का फाइनल आंसर की है जो कि जारी हो गया है, और इसके आप मिला सकते हैं कि आपके कितने चेंजेज हुए हैं, और ये आप देख सकते हैं फाइनल आंसर की भी है जो कि जारी हो गया है। और 67वीं का जहाँ तक सवाल है यह भी आप देख सकते हैं।
इसको, क्योंकि अभी सर्वर है जो कि डाउन होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कि अभी इसको सर्च कर रहे हैं, और यह आंसर की भी है जो कि आपको फाइनली है जो कि जारी करता। आप लोग रोल नंबर है जो कि मिला ले, और जो लोग भी सेलेक्ट हुए हैं उनको हार्दिक बधाई, वो मेंस की तैयारी में लग जाए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि सब्जेक्ट चेंज करने के बारे में पूछते हैं कि सब्जेक्ट है जो कि चेंज करना है, तो ये गलत है, उससे कोई फायदा नहीं है, मन का संतोष है कि मैं चेंज, क्योंकि कम आपको बहुत ज़्यादा समय है जो कि नहीं दिया जाएगा मेंस में, और 900 नंबर की परीक्षा होगी। तो ये आप देख सकते हैं वेबसाइट आपका जो कि नहीं खुला, लेकिन अगर आप लोगों को नहीं मिला है पीडीएफ तो आप रोल नंबर है जो कि मिला सकते हैं, और मैं कोशिश करता हूं कि मैं आपको फिर से दिखाऊं वो पीडीएफ है जो कि, जिससे कि आप है जो कि उसको देख सकते हैं। तो आप यहां पर है जो कि सीरियली वाई में है जो कि देख सकते हैं रिजल्ट को, 8 पन्नों का है जो कि रिजल्ट है, जो कि रोल नंबर वाइज है जो कि जारी किया गया है। अगर पीडीएफ आप लोगों को उपलब्ध नहीं हो पाया है कहीं से तो आप है जो कि देख सकते हैं। मैं धीरे धीरे ये स्क्रॉल कर रहा हूँ कि आप लोग अगर इस बीच में दिखाई दे तो आप लोग जो कि मिला ले, तो इसमें लगभग जो कि सारे कट ऑफ्स का, हालांकि ये नहीं दिया हुआ आंसर की भी है जो कि आपको अपलोड कर दिया गया है, तो यह है जो कि 34 है, 3,41,1857 जो है रोल नंबर लास्ट है, और यह 8 पेज का ही है जो कि, और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर अपलोड अभी भी नहीं हो रहा है, सर्वर है जो कि पूरा है, और यह आंसर की भी है जो कि आप देख सकते हैं कि क्या सीरीज का है, वो भी देख सकते हैं। तो फाइनली है जो कि आपको जारी कर दिया गया है, और 20 पन्नों वाला भी आ गया। कट ऑफ जो है आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ, एकदम सही कट ऑफ थी, और ये 8 पन्नों का ही खुल रहा था अभी तक, और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कट ऑफ है जो कि पूरा सही है, और बहुत सारे लोग हैं जो कि आप, मैं आपको अब ये जो 20 पन्नों वाला है वो कट ऑफ है जो कि मैं, क्योंकि आप लोगों को रोल नंबर है जो कि 20 पन्नों में सॉरी रिजल्ट है पूरा, क्योंकि सभी जगह प्रॉब्लम, ये कट ऑफ पूरी तरह से सही था। बहुत सारे लोग हैं जो कि अपशब्द भी कह रहे थे, लेकिन मुझे पता था कि ये सही है, लेकिन शुरुआत में लोगों को विश्वास नहीं हो रहा। यहाँ पर 113 कट ऑफ, जो ये कट ऑफ में कोई चेंजिंग नहीं है, यही सेम कट ऑफ है, और 11,607 कैटेगरी वाइज यहाँ भी दिया हुआ है, 5,039 एकदम सही कट ऑफ है, और ये आप देख सकते हैं वेबसाइट पर है जो कि आपका कट ऑफ है जो कि जारी हो गया, 113 कट ऑफ ही गया है, तो ये आप लोग है जो कि देख सकते हैं। पीडीएफ अगर किन्हीं को चाहिए तो मैं इसका लिंक है जो कि कमेंट बॉक्स में रख दूंगा। तो इसके साथ धन्यवाद।